hai sabhi logon ko mera abhinandan. Good evening to everybody. Es un gran honor estar aquí junto a amigos, a camaradas, a compañeros. It's really a great pleasure to be here amongst friends, amongst comrades, and amongst many people that I know. Yahan aane ki mujhe bahut khushi hai apne doston ke beech aur apne comrades ke beech. Como siempre, traemos el saludo del pueblo de Cuba al pueblo de la India. Main Cuban logon ka ek salam ya Hindustani awam ke naam pe layi hu. Hace 60 años, por primera vez, vino una delegación de la joven revolución cubana encabezada por el Che Guevara a estas tierras. आज से 60 साल पहले क्रांति जो कि उस वक्त बहुत नई थी उस नई क्रांति का एक डेलीगेशन यहाँ क्यूबन डेलीगेशन यहाँ हिंदुस्तान आया था जो मेरे पिता चे गेवारा जिसके लीडर थे और उन्होंने इस महान देश की जो संस्कृति है उसको कुछ हद तक वो देख पाए Visitó fábricas, pero sobre todo tuvo contacto con el pueblo. उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज देखी और जगह भी गए लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने यहाँ की जनता के साथ भी उनका काफी इंटरेक्शन हुआ Traía el mensaje de un pueblo que comenzaba una transformación importante para su vida. क्योंकि वो एक ऐसे देश का संदेश ला रहे थे जिसने अपनी जिंदगी का अपने अस्तित्व का एक नया स्टेज एक नया चरण में कदम रखा था 60 años después regresamos ya sin él pero con la presencia de hombres como él que nos han llevado hasta el momento actual और आज हम 60 साल बाद यहां आए हैं चे हमारे बीच में नहीं रहे हैं लेकिन चे जैसे बहुत सारे पुरुष और नारी हमारे साथ रहे जिन्होंने आज क्यूबा को उस बिंदु पे लाके रखा है जहां क्यूबा आज पहुंचा है क्यूबा और हिंदुस्तान की आवाम को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने और एक दूसरे से बहुत कुछ अदल बदल करने का मौका है Todos los viernes en Cuba hay una película india en la televisión cubana. मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर शुक्रवार की रात को क्यूबन टेलीविजन पे एक हिंदुस्तानी फिल्म दिखाई जाती है। Poco a poco vamos conociendo algo de la cultura de este pueblo. और इस तरह से हमें इस महान देश की संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत कुछ खबर हमेशा रहती है Pero todavía es muy poco. Tenemos que conocernos más. लेकिन ये सूचना ये जानकारी जो हमें मिलती है इस तरह से ये बहुत कम है बहुत जरूरत है कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जाने क्यूबा एक ऐसा देश है जो एक बेहतर समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है Que necesita de la solidaridad de todos ustedes. और हमें आप सब की सॉलिडारिटी एकजुटता की जरूरत है Para continuar siendo solidarios con muchos pueblos del mundo. ताकि हम इस विश्व के बहुत सारे जो देश हैं उनके साथ भी अपनी एकजुटता बनाए रखें Hemos aprendido como pueblo que la solidaridad no es dar lo que nos sobra, es compartir lo que tenemos. हमने क्यूबन समाज में ये सीखा है कि एकजुटता यानी सॉलिडारिटी का ये मतलब नहीं है कि हम वो बांटें जो हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया है बल्कि हम वो बांटें जो थोड़ा बहुत हमारे पास है ये एकजुटता है हम अकेले सिर्फ क्यूबन आवाम के रूप में इस विश्व को नहीं बदल सकते हैं Por eso necesitamos de la solidaridad y del apoyo de todos ustedes. इसीलिए हमें आपकी एकजुटता और आपके सपोर्ट की आवश्यकता है Por eso es muy importante la educación de nuestros pueblos. इसीलिए हमारे देशों में एक आवाम में एक जागरूकता हो इसकी बहुत जरूरत है
Tenemos que luchar por una educación que llegue a todos los hombres y mujeres en igualdad de condiciones. हमें इस बात के लिए लड़ना चाहिए कि शिक्षा और जागरूकता हर एक व्यक्ति के पास हो, सबको मिल सके। Porque para ser realmente libre necesitamos ser un pueblo culto. क्योंकि यदि हम वाकई में आजाद होना चाहते हैं, तो हमारी आवाम के पास जागरूकता और शिक्षा होनी बहुत जरूरी है। Para que nadie nos engañe, para que nadie nos manipule, para que nadie nos utilice. यही एक तरीका है कि कोई हमारा बेवकूफ न बना सके, कोई हमारे साथ धोखाधड़ी न कर सके, कोई हमें मैनिपुलेट न कर सके। Necesitamos ser un pueblo sano. और ये भी जरूरी है कि हम एक स्वस्थ आवाम बन सकें। La salud pública tiene que ser un derecho del ser humano. इसीलिए public health सबका अधिकार होना चाहिए। No puede comerciarse con la vida del pueblo. लोगों के जीवन को business नहीं बनाया जा सकता। Por eso tenemos que luchar por un mundo más justo para todos. और इसीलिए हमें हर व्यक्ति के लिए इस विश्व के सभी नारियों और पुरुषों के लिए एक बेहतर समाज के लिए लड़ना जरूरी है। Un hombre solo no vale nada. एक अकेला आदमी या एक अकेली नारी कुछ अकेले नहीं कर सकती है। Un pueblo unido es indestructible. लेकिन एक जुड़ा हुआ एकजुट आवाम उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। क्यूबा से हम आपको ये तो नहीं बता सकते कि आपको ये करना चाहिए। Pero mostramos con nuestra propia vida que se puede vivir de otra forma. लेकिन हम आपको अपने जीवन से, जिस तरह से हम जीवन जीते हैं, उससे ये बताना चाहते हैं कि जीवन जीने का एक और तरीका, एक और प्रणाली हो सकती है। Estamos a 180 kilómetros de la potencia militar y económica más poderosa del planeta. हम इस विश्व के सबसे शक्तिशाली आर्थिक जो पावर है उससे सिर्फ 90 मील दूर पे रहते हैं। El gobierno de Estados Unidos de Norteamérica nunca ha podido doblegar al pueblo de Cuba. लेकिन अमेरिका की सरकार कभी भी हमें इस स्थिति पे नहीं ला सकी हो कि हमने घुटने टेक दिए हों। लेकिन ये संभव कैसे हुआ है? Somos apenas 11 millones de habitantes. हम तो सिर्फ 11 मिलियन की हमारी आबादी है। Ellos casi llegan a 400 millones. और वो लोग 400 मिलियन की उनकी आबादी है। Pero no nos pueden vencer. लेकिन वो हमें हरा नहीं सकते। Porque tenemos la razón. क्योंकि हम सही रास्ते पे हैं। Porque somos un pueblo unido. और क्योंकि हमारा आवाम एकजुट है। Porque somos un pueblo que sabemos amar. और क्योंकि हम ऐसी आवाम हैं, हमारी जनता को प्यार करना आता है। Entonces, unamos todas nuestras fuerzas. इसलिए आइए हम सब लोग अपनी शक्ति को एकजुट करें। Para realmente poder luchar y crear un mundo más justo para todos. ताकि हम लड़ सकें, ताकि हम संघर्ष कर सकें, ताकि एक बेहतर समाज बन सके। Donde todos los hombres y mujeres tengamos los mismos derechos. जहाँ हर नारी और हर पुरुष का एक सा अधिकार हो, donde un niño, no importa su color de piel, tenga el derecho de vivir con dignidad. जहाँ पे वो बच्चा उसकी स्किन का कलर, उसकी रंग चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसे जिंदगी जीने का पूरा अधिकार हो। En Cuba tenemos un hombre, un personaje histórico muy importante. क्यूबा में एक बहुत ही ऐतिहासिक शख्सियत है। Él se llamaba José Martí. उनका नाम है José Martí. José Martí era un hombre que luchaba por la libertad. José Martí ने हमारे देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। Pero también era un poeta. लेकिन वो एक कवि भी थे। Él trataba de enseñarnos a ser mucho mejor ser humano. और उनकी कविताओं में एक संदेश ये था कि हम किस तरह से बेहतर मानव बन सकते हैं। José Martí cultivaba una rosa blanca para su amigo sincero. José Martí अपने बेहतरीन दोस्त के लिए एक सफेद गुलाब उन्होंने चुना था।
pero era capaz también de cultivar la misma rosa blanca para su propio enemigo. लेकिन वो कहते थे कि यही सफेद गुलाब जो मैं अपने दोस्त के लिए रख रहा हूँ, वो मैं अपने दुश्मन को भी देने के लिए तैयार हूँ। Tenemos muchas cosas que aprender todavía. हमें बहुत सारी चीजें सीखनी हैं। Pero si vamos por ese camino, quizás podamos ver el futuro mucho mejor. लेकिन यदि हम जिस राह पे चल रहे हैं, उसी राह पे चलते रहें, तो एक बेहतर भविष्य अवश्य देख पाएंगे। Como soy cubano, me gusta cantar también. क्योंकि मैं क्यूबन हूँ, इसलिए मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। और होसे मार्ती की ये कविता जिसका जिक्र मैंने अभी किया, fue musicalizado y lo hemos aprendido todos los cubanos prácticamente. उसको एक गीत के रूप में हम सभी क्यूबन, लगभग सभी क्यूबन उसको एक गीत के रूप में गाते हैं। Más o menos dice así. और लगभग वो कुछ इस तरह से है। Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da donde estoy a la firmeza de tu brazo.